चरखी दादरी जिले के गांव पालड़ी में कोरोना वायरस से बचने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। गांव की सभी गलियां, घरों व सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया गया। जननायक जनता पार्टी के पंचायत प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव कैलाश पालड़ी ने बताया कि कोरोना महामारी से बचने के लिए सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। सभी गाँव वासियों को सावधानी पूर्वक अपने घरों में रहने की अपील की गयी, जिसका सभी लोग पालन कर रहे हैं। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल तक पूरे देश को लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हम सभी को सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी सभी देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है, जिसका हमारा देश डटकर मुकाबला कर रहा है। हमारी सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रही है। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सरकार के कार्यों में सहयोग करें, ताकि हम जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी को खत्म कर सकें। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, बार बार अपने हाथों को साफ करें। कैलाश पालड़ी ने सभी ग्रामीणों का सहयोग करने पर धन्यवाद दिया। हरियाणा से कैमरामैन अमनदीप के साथ उमेश सतसाहिब की रिपोर्ट। पूरे विश्व के अंदर कोरोना नाम की एक भयंकर बीमारी चली हुई है। इसका सिर्फ इलाज एक ही है कि बचाव में ही सुरक्षा है। हम सभी को घरों में रहना चाहिए, और जिस भी साथी को या किसी व्यक्ति को कोई जुकाम, सर्दी, बुखार वगैरह हो तो उसको तुरंत प्रभाव से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं और उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। कोरोना एक भयंकर बीमारी है, इसका सिर्फ बचाव है सुरक्षा करना, और हम इसके प्रति सजग रहें, हम इसके प्रति चिंता नहीं चिंतन करें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षा के, और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने सुरक्षा के अच्छे उपाय किए हैं। इस सुरक्षा चक्र को तोड़ने की बजाय इसमें अपना सहयोग प्रदान करें।